हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन एग्रीकल्चर ई प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, बाजरे की कम अवधि यानी कम टाइम के लिए तथा शीघ्र पकने वाली जो किस्म है वो इनमें से कौन सी है। बाजरे की कम अवधि यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी कम लगे और जल्दी पके, शीघ्र पकने वाली जो किस्म है वो कौन सी है। RHB 171, GHB 538, RHB 173 और HHB 67। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी है जो शीघ्र पकने वाली है और कम अवधि लेती है। ठीक है, आपको पता है ये जो चारों किस्म है ये किसके हैं, ये बाजरे की हैं। ठीक है, इधर RHB 177 भी होती है। ठीक है, RHB 171, 173, 177 और भी वैरायटी हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं, आपको ये बताना है कि शीघ्र पकने वाली और कम अवधि वाली जो वैरायटी है वो क्या है, HHB 67। ये सारी वैरायटीज अच्छी हैं, बट बात कर रहे हैं हम किसकी कम अवधि और शीघ्र पकने के लिए, तो वो जो है वो क्या है, HHB 67 है। बाकी ये जो बची तीन वैरायटी हैं ये भी अच्छी वैरायटी हैं बाजरे की। अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम बताना है। सफ़ेद लट आप अच्छे से जानते हैं, सफ़ेद लट है ना, खरीफ की जो पल्सेज हैं या फिर खरीफ में स्पेशली मूंगफली में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती है। और क्या खाती है, जड़ों को खाती है। अब ये तो बात कर रहा है किसकी, लट की बात कर रहा है यानी ग्रब की बात कर रहा है। ठीक है, वाइट ग्रब भी नाम बोला जाता है, आपको पता है इसे क्या बोला जाता है, वाइट ग्रब। ठीक है, चार नाम दे रखे हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक एक करके सबका पता करते हैं। ओडेंटोटर्मिस ओवेसिस, आप बताइए ओडेंटोटर्मिस ओवेसिस क्या सफ़ेद लट का नाम है। देखिएगा ब ऑप्शन क्या है, सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, ये है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है या फिर होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया है। इन चारों में से जो सफ़ेद लट का वैज्ञानिक नाम है वो आपको बताना है। बात करते हैं ओडेंटोटर्मिस ओवेसिस की। ओडेंटोटर्मिस ओवेसिस किसका नाम है, ये है दीमक का, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, वाइट आंट के नाम से भी बोलते हैं, टर्माइट भी बोला जाता है। ये भी क्या करती है, जड़ों को नुकसान पहुँचाती है ना। टर्माइट है उसका जो वैज्ञानिक नाम है या जूलॉजिकल नेम है वो क्या है बताइए, ओडेंटोटर्मिस ओवेसिस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरिया की बात करें, आपको अच्छी से पता है ये कौन सा है, फल छेदक। क्या नाम होता है इसका, फ्रूट बोरर। ठीक है, ये भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। आपको पता है जो चना जो है उसमें जो ग्रीन सी लट होती है और भी फ्रूट में होती है वो क्या है, वो हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा ही है। ठीक है, जो फल छेदक बोल दीजिए, फ्रूट बोरर बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, हेलिकोवर्पा आर्मी। अब हमारे पास दो ऑप्शन और बचे हैं, देखते हैं। ये जो है सिस्टोसरका ग्रिगेरिया, आपको अच्छे से पता है, इसने तो पिछले साल, ये तो अंतर्राष्ट्रीय पेस्ट है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में मतलब मोस्टली एरिया पे जो वो करता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसका नाम क्या है, टिड्डी। ठीक है, वो भी कौन सी, डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट लोकस्ट ये नाम है इसका। अब बचा आपके पास कौन सा, होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया, जो सफ़ेद लट है उसका नाम क्या है, होलोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया। अब आपको चार नाम याद हो गए, दीमक का नाम देखिएगा, ओडेंटोटर्मिस ओवेसिस दीमक का नाम है, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा है वो फली छेदक का नाम है, फिर सिस्टोसरका ग्रिगेरिया है वो किसका, टिड्डी का नाम है, जो डेजर्ट लोकस्ट होती है उसका नाम है, और होलोटोट्रेकिया कॉन्सनगुनिया किसका नाम है, सफ़ेद लट का नाम है। चारों आपको पता लग गए, दीमक जड़ों के नुकसान पहुंचाएगी। दीमक मोस्टली जहाँ सेल्यूलोस जिनमें ज़्यादा होता है उनको तो बिल्कुल ही फेवरेट फूड है इनका। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया कहाँ पे, चने में और भी फ्रूट में नुकसान पहुंचाता है। टिड्डा तो ऐसी कोई ग्रीन वेजिटेशन कुछ भी दिख जाए इसे, ये उस पर नुकसान पहुंचाता है, और ये अंतर्राष्ट्रीय कीट है, अंतर्राष्ट्रीय पेस्ट है। ठीक है, और आपकी बात की जाए किसकी,
होलोटोट्रेकिया कॉन्सन गुनिया के तो ये मूंगफली में अधिक या खरीफ वाली जो फसलें हैं उनमें अधिक नुकसान पहुंचाती है। आपने ये देखा होगा, ये आप गोबर वगैरह की खाद वगैरह देख लाते हैं तब भी देखा होगा, इतनी मोटी होती है और सी शेप की होती है। इसका जो आकार होता है वो क्या होता है, ये यूं सी शेप सी होती है, वाइट कलर की होती है, मुंह काला सा रेडिश होता है और इस टाइप से ही रहती है, ठीक है। अब इसका आपको पता है बहुत नुकसान करेगी ये। इसके जो मेल है और फीमेल है, यानी जो एडल्ट स्टेज है उस समय, यानी बारिश जब आने वाली होती है, मॉनसून जो सीज़न होता है, इस टाइम इसके एडल्ट जो है वो मैटिंग करते हैं। उस टाइम अगर आप एडल्ट को ही कंट्रोल कर दें लाइट ट्रैप या फिर कुछ भी यूज़ करके, तो हम मतलब इस वाली स्टेज तक आने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो एडल्ट को ही एट द टाइम ऑफ, इनका फिक्स टाइम होता है जब मॉनसून स्टार्ट होता है, फर्स्ट बारिश स्टार्ट होती है तब ये लोग मैटिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद आप इसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और बात की जाए हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ, भारतीय कृषि में फसलों को सर्वाधिक हानि किससे पहुंचती है, तो भारतीय कृषि की बात की है, आप बताइएगा रोगों से, कीटों से, खरपतवारों से या चूहों से। तो जब आप खरपतवार का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहली लाइन लिखी हुई है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान करती हैं हमारी फसलों को वो खरपतवार होते हैं, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं ये, क्योंकि इनके बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है। हमारी क्रॉप और खरपतवार जो वीड्स हैं उनके बीच में क्या होता है, जब हम बुआई करेंगे, जब हम फर्स्ट इरीगेशन देंगे, उसके साथ साथ कॉम्पिटिशन होना स्टार्ट होता है। जैसे हमारी क्रॉप बढ़ेगी उससे पहले वीड्स, मतलब वीड्स की ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये लोग क्या न्यूट्रिएंट के लिए कंपटीशन करते हैं, वाटर के लिए कंपटीशन करते हैं, लाइट के लिए कंपटीशन करते हैं। तो जो कंपटीशन जहाँ होगा वहाँ पता है फिर हमारी जो क्रॉप है उसमें प्रॉब्लम होती है। तो हम बात करते हैं किस कितने परसेंट, तो मोर देन 30% जो है वो खरपतवारों से नुकसान होता है। कई बार ये देखा गया है 90% 100% तक, मतलब खरपतवार अगर आपने इनका नियंत्रण नहीं किया, जैविक रासायनिक या यांत्रिक नियंत्रण नहीं किया, तो इनका प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि जब हम निराई गुड़ाई जो करते हैं वो 30 से 45 दिन, जब हम बुआई करेंगे उसके 30 से 45 दिनों तक, क्योंकि उस टाइम जो है इनकी बढ़ने की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी हाई होती है, तो इसलिए उसी टाइम हमें इनका नियंत्रण कर देना चाहिए। क्लियर हुआ। RST9 किस्म के लिए बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं। सबसे पहले RST की बात करते हैं, RST है किसकी किस्म, पहले ये पता तो हो। तो ये किसकी किस्म है RST9, ये किस्म है कपास की। कपास में भी मैम कौन से कपास की है, तो ये कौन से कपास की है, अमेरिकन, ठीक है। अब पूछ रहा है कि अमेरिकन जो कपास जिसकी ये वैरायटी है RST9 किस्म के लिए बीज दर प्रति हेक्टर रखते हैं। आपको पता है कपास में वैसे भी हम डिफरेंट सीड रेट पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं क्या क्या है। 2.5 से जो 3 है KG, ये किसके लिए है। बात की जाए 15 से 18 KG, क्या पता RST के लिए हो, 12 से 15 KG हो या फिर 20 से 25 KG प्रति हेक्टर। अब आप इन चारों में से बताइए, आपको सबकी याद होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन देख लिया आपने 2.5 से 3 KG। अब 2.5 से 3 KG आपने पढ़ी है कपास में, ये तो RST9 की तो नहीं है, क्योंकि ये किसकी है, ये है संकर कपास की, जिसको आप क्या बोलते हैं, हाइब्रिड कॉटन, ठीक है। बात की जाए 15 से 18 KG, 15 से 18 KG किसकी है बताइएगा आप, ये है अमेरिकन कपास, ठीक है। अब मैम ये भी तो अमेरिकन कपास है, तो आंसर ये होना चाहिए, बट इसने देखिए RST को स्पेशल कर दिया, RST9 को, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन की तरफ और चलते हैं, 12 से 15 KG, ये आपको पता है ये किसकी है, देसी कपास की है। एक और बचा है 20 से 25 KG, तो RST जो 9 है उसकी जो सीड रेट है वो अधिक होती है, यानी 20 से 25 KG पर हेक्टर। अब यहीं की यहीं एक और चीज़ रह गई है जिसको आप क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं BT कॉटन। BT कॉटन की सीड रेट क्या है, 1 से 1.5 KG पर हेक्टर। तो यहाँ आपकी सारी सीड रेट रिविजन हो गई है, ठीक है। बात की जाए किसकी, संकर यानी हाइब्रिड कॉटन की, 2.5 से 3 KG है,
फिर अमेरिकन की बात की जाए 15 से 18 केजी है, फिर देसी की बात की जाए 12 से 15 केजी है, और 20 से 25 जो है वो किसकी है, RST9 की है। RST9 क्या है, कपास की, अमेरिकन कपास की एक वैरायटी है जिसकी जो सीड रेट है वो अधिक है, कितनी है 20 से 25 केजी। वहीं हम बात करते हैं बीटी कॉटन की, तो बीटी कॉटन की जो बीज दर है वो कितनी है, 1 से 1.5 केजी पर है। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे या कौन थे, ठीक है। बात करें प्रोफेसर लॉन्ग पिंग योन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या फिर इनमें से कोई नहीं। बात करते हैं प्रोफेसर लॉन्ग पिंग योन की, तो ये जो है ये किसके हैं जनक, ये संकर धान के, संकर धान के जनक हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष नहीं थे। बात करते हैं एम एस स्वामीनाथन जी की, तो ये जो हैं ये हमारी राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने हुए थे, कौन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। और इन्होंने हमारे एग्रीकल्चर के सेक्टर में इतना बड़ा योगदान है इनका कि इनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, ठीक है। हमारे भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है, और अगर विश्व की बात की जाए तो कौन है, N.E. बोरलॉग है, ठीक है। अब हम थर्ड नंबर ऑप्शन, आपको पता है वर्गीस कुरियन कौन है, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, सफेद क्रांति के, ठीक है, जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। तो इनका ये आपके क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रिजके की फसल का परजीवी खरपतवार है। परजीवी मतलब जो जिसका जीवन किस पे हो, पराया यानी दूसरे पे निर्भर करता हो, ठीक है। खुद अपर्याप्त, तो परजीवी यानी अपना जीवन दूसरे पे निर्भर आश्रित हो, वो जो है रिजके की फसल किसको पसंद है, ठीक है। रिजके की फसल का परजीवी खरपतवार है इनमें से, फर्स्ट अमरबेल, ओरोबंकी, स्ट्राइगा या फिर कासनी। तो आपको पता है इसकी हमने पढ़ रखी है, क्या है, कस्कुटा, लॉरेंथस, ओरोबंकी और स्ट्राइगा। तो बात करते हैं रिजके की फसल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान या फिर परजीवी खरपतवार है वो कौन सा है, अमरबेल है। कौन है, अमरबेल है यानी कस्कुटा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है और इसका परजीवी, और ये कैसी है, ये पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है। कैसी है, पूर्ण तना परजीवी है। बात करते हैं ओरोबंकी, ओरोबंकी जो है ये सोलेनेसी फैमिली, तंबाकू, टमाटर, मिर्च वगैरह, बैंगन वगैरह, इनके सोलेनेसी कुल है, क्रूसीफेरी कुल है, इनको ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है ओरोबंकी, ठीक। स्ट्राइगा जो है, स्ट्राइगा किसकी है, ज्वार, बाजरा, मक्का है इसकी है, इसको ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। और बात करें कासनी, तो कासनी किसको करती है, बरसीम को, ठीक है। रिजके का दूसरा नाम क्या है, मेडिकागो सटाइवा, वानस्पतिक नाम है और क्या, अल्फा अल्फा बोलते हैं, ल्यूसर्न बोला जाता है, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, और कैसा है, पूर्ण तना परजीवी है, ठीक है। ये क्या है, ये अर्ध तना परजीवी है, लॉरेंथस। ओरोबंकी क्या है, ये क्या है, पूर्ण जड़ परजीवी है, और स्ट्राइगा अर्ध जड़ परजीवी है। क्लियर हुआ ये स्ट्राइगा की। अब हम बात करते हैं बोर्डो मिक्सचर, बोर्डो मिक्सचर क्या है, कॉपर सल्फेट, चूना और वाटर का, है ना, CaSO4+ CaO+ वाटर H2O, ठीक है। कॉपर सल्फेट है, चूना है प्लस जल है, ठीक है। तो इसका मिक्सर, तो बोर्डो मिक्सर क्या है, फंजीसाइड है, हर्बिसाइड है, वीडिसाइड है या पेस्टिसाइड है। बोर्डो मिक्सर का आपको अच्छे से पता है ये क्या है, ये फंजीसाइड है, क्या है, ये फंजीसाइड है। क्लियर है, क्लियर हुआ। सर्वोत्तम ऊन का उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल है, आपको पता है ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ ले, चोकला, मैरिनो, मारवाड़ी या अविवस्त्र। तो बात की जाए किसमें, सर्वोत्तम ऊन का उत्पादन करने वाली भेड़ की नस्ल, इसने ना राजस्थान दिया है ना भारत दिया है, पूरा उसमें पूछा है। तो आपको पता है इसका आंसर सिर्फ क्या होगा, मैरिनो होगा, है ना। और मैरिनो से एक क्वेश्चन और आता है कि ये कहाँ से है ना, कहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान है, तो कहाँ से है, स्पेन से है, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या है, 5 से 9 किलो, 5 से 9 किलो जो है ये ऊन देती है एक वर्ष में, ठीक है, 5 से 9 केजी ऊन देती है, और बड़ी फाइन ऊन होती है, लंबा होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो वूल है वो भी किसकी है, मैरिनो की, और सर्वोत्तम ऊन बोल दिया, राजस्थान की मैरिनो, भारत की मैरिनो किसको बोला जाता है,
चोकला को बोला जाता है, ठीक है। इसका जो है, इसका भी वूल है वो बिल्कुल फाइनेस्ट वूल है, ठीक है। और बात कीजिए इसको, उसका देसी नाम क्या है, छापरा के नाम से भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और मारवाड़ी, आपको पता है मारवाड़ी दो है, भेड़ भी है और बकरी की भी किस्म है, मारवाड़ रीजन में होती है। अवि वस्त्र की बात करें तो ये CSWRI यानी अवि, अविका नगर टोंक से विकसित है, ठीक है, क्लियर है। मालपुरा टोंक में है रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर है। पशु, किस पशु का दूध क्षय रोग को क्या बोलते हैं, टीबी, ठीक है। जीवाणु प्रतिरोधी होता है, टीबी के जीवाणु नहीं लगते हैं, भेड़ का, बकरी का, बकरी का या फिर गाय का, भेड़, बकरी, भैंस या फिर गाय। अब आप बताइए इसमें से जो आंसर होगा क्षय रोग के लिए, टीबी के लिए, देखिए आंसर क्या होगा आपका, बकरी होगा, ठीक है, गॉट होगा, बकरी। चलता फिरता फ्रिज बोला जाता है, वनस्पति का शत्रु बोला जाता है और गरीब की गाय बोला जाता है, इसकी कुछ कॉमन नेम है। इसका जो दूध होता है वो कैसा प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। और 7.5 to 8 जो इसका पीएच होता है दूध का, वो 7.5 से लेके 8 पीएच होता है, ठीक। जो हमारा सामान्य दूध होता है वो थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है, उसका जो पीएच होता है 6.4 से लेके 6.7 पीएच होता है, ठीक है। बात की जाए गाय, आपको पता ही है भेड़ में जो होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, वसा प्रतिशत होता है, सबसे अधिक वसा प्रतिशत किसमें होता है, भेड़ में होता है। और सर्वाधिक जो लैक्टोज होता है वो किस में होता है, भैंस के दूध में होता है। और लैक्टोज की वजह से भैंस का जो दूध होता है वो कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है, क्लियर है। और बात की जाए भैंस के में जो सबसे ज़्यादा प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ है वो आपको अच्छे से पता है, वो कौन सी है, भदावरी नस्ल की भैंस है, ठीक है। बट ओवरऑल अगर पूछा जाए तो भेड़ के दूध में वसा का प्रतिशत अधिक होता है, क्लियर है। पंखों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, पंखों व पैरों का लड़खड़ाना, ठीक है, पंखों व पैरों का लड़खड़ाना, हांफते हुए श्वास लेना मुर्गी में किस रोग के लक्षण है, मैरम्स रोग के, कॉक्सीडियोस रोग के, रानीखेत के या फिर ज्वर के। तो आप इन चारों में से अच्छे से पहचान सकते हैं, लड़खड़ाना, हांफना, सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो किसके लक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वायरस जनित ये रोग है, ये क्या है, विषाणु जनित रोग है, रानीखेत, ठीक है। एक साथ अब विषाणु का प्रकोप आप देखते हो कि एक अगर मुर्गी में हो गया है तो वो पूरी मुर्गियों में फैल जाता है और एक एक करके ये समस्या मुर्गियों में आती है और मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है, ठीक है। विषाणु का नाम क्या है, टार्टस फ्यूरेनस नाम है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, आप अपनी तैयारी इसी प्रकार जारी रखें।